कैसे हैं आप? जो भिंदरपाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो हमारा आज पहला सवाल है, एक घन इंच में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा सवाल है, एक वर्ग इंच में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम शुरू करते हैं, एक घन इंच में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। एक इंच बराबर 2.56 सेंटीमीटर होते हैं। यदि वर्ग की बात की जाए तो एक इंच में सेंटीमीटर होंगे बराबर 2.56 × 2.56। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई हम इनको करके देख लेते हैं क्या आता है। छः दशमलव 45 16 बराबर 6.45 16 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन घन, एक घन इंच में कितने घन सेंटीमीटर होंगे। अब तो एक घन इंच में सेंटीमीटर होंगे बराबर, जब हम ये आकृति है, ये हमने, ये तो वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन जब इसको इस प्रकार से घन के रूप में हम तब्दील करते हैं, ऐसे घन वो होता है जिसकी तीन भुजाएं, जो ये वाली भी और ऊपर खड़ी भुजा भी बराबर होते हैं। जैसे माना 4 4 और 4, तो इस प्रकार से ये भुजाएं सभी बराबर होते हैं, तो उसे घन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हैं। तो 2.54 × 2.54 × 2.54 बराबर, देखते हैं क्या आता है। सोलह दशमलव 38 70 64 16.38 70 64 घन सेंटीमीटर होंगे एक घन इंच में। सवाल नंबर दो, एक वर्ग इंच में कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे। तो जैसा कि हमें पहले सिद्ध कर लिया है, एक इंच बराबर 2.56 सेंटीमीटर होते हैं, और एक वर्ग इंच बराबर 2.56 × 2.56 बराबर 6.45 16 वर्ग सेंटीमीटर होंगे एक वर्ग इंच में। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब हम वर्ग सेंटीमीटर ऐसा करते हैं तो इसमें 2.54 और 2.54 इधर ये भुजा और ये भुजा, इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं। तो जब 2.54 × 2.54 करेंगे तो इसका 6.45 16 आ जाएगा
उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक।